मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। आप सबका मेरे ट्रैवल चैनल अर्थ ट्रैकर में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए अपनी मालदीव्स ट्रैवल वेब सीरीज विज़िट 1 का वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है टूरिस्ट वीज़ा फॉर मालदीव्स, जो कि सभी के लिए फ्री है। मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो जो इस सीरीज़ की बनाई थी, मैंने उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके लिए मालदीव्स गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप मालदीव्स में एंट्री जाते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो जो भी मालदीवियन गवर्नमेंट के देखिए रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपको एंट्री मिलेगी वो 30 दिन के लिए, जो इनकी वेबसाइट से मैंने पता किया है, तो एंट्री मिलती है 30 दिन के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है देखिए पासपोर्ट, तो जो कि सभी के पास होता ही है जब कोई इंटरनेशनल टूर पे जाता है। तो मालदीव्स में अगर आप एंट्री जाते हैं तो आपका एंट्री से पहले जो वैलिडिटी है वो कम से कम 1 मंथ की होनी चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है वो MRZ होना चाहिए। MRZ का मीनिंग है मशीन रीडेबल जोन। तो इंडिया के जो पासपोर्ट हैं वो सभी के सभी MRZ ही हैं। मेरा सेकंड टॉपिक है होटल बुकिंग। तो आप देखिए जो इनकी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है उसकी जो होटल बुकिंग वो प्री पेड होनी चाहिए, मीनिंग उसके पेमेंट ऑलरेडी दी होनी चाहिए होटल्स को। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने जितने भी अपने होटल बुक कर रखे हैं मालदीव्स के लिए, तो मैंने किसी का भी पेमेंट नहीं किया, वो सभी के सभी पोस्ट पेड हैं। थर्ड पॉइंट है सफिशिएंट फंड्स। तो आपके पास देखिए सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जब आप इंडिया से मालदीव जाते हैं। हाँ, ये ऑब्वियस है कि आपको इंडिया में देखिए मालदीवियन रुपया नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने बठिंडा सिटी में किसी से ट्राई भी नहीं किया किसी मनी एक्सचेंजर से कि मुझे ये मालदीवियन रुपया चाहिए। उस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास US डॉलर होने चाहिए, चाहे वो कैश में हो, कैश में तो होने ही चाहिए, साथ में अगर वो आपके पास तो आपके पास अगर ई मनी है तो भी वो चलेंगे, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अगर वहाँ पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जो मालदीवी रुपया है वो वहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है आपका रिटर्न टिकट। तो आपके पास देखिए रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो आपसे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाले रिटर्न टिकट की डिमांड कर सकते हैं। मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप सपोज़ कीजिए कि इंडिया वापस नहीं आ रहे, आपने थर्ड कंट्री जाना है, सपोज़ कीजिए कनाडा जाना है, तो इसका मीनिंग है ये है कि आपके पास कनाडा का टिकट होना चाहिए, साथ में उसका वीज़ा भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप थर्ड कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो और सिक्स पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है THD, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो नंबर 2 आपने देख लिया होगा, तो THD ट्रेवलर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको IMOCA फॉर्म बोला जाता है, तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने वीडियो नंबर 2 जो है वो आपके लिए तैयार किया था। तो उसको आप देख सकते हैं कि उसको कैसे फिल किया जाता है, आपने अराइवल से पहले और वहाँ से डिपार्चर से पहले 24 घंटे के भीतर भीतर आपने अपना जो ट्रेवलर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म वो फिलअप करना है। सिक्स पॉइंट है येलो फीवर। तो येलो फीवर सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन। तो अब आप लोग ये सोचेंगे ये क्या चीज़ है भाई, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिस्ट भी अपलोड की है उस फर्स्ट वीडियो में। अगर तो देखिए आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप आ रहे हैं उन कंट्रीज से जो मैंने आपको बताई हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं 29 एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं 13, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपके पास येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, रिक्वायर नंबर 8। तो इस रिक्वायरमेंट में आपके पास एक RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। डिपार्चर टाइम से ठीक 96 आवर्स के भीतर भीतर वो रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है नंबर 9, कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स फॉर बोथ डोजेज। WHO की जो प्रमाणित वैक्सीन हैं उनमें से ही एक होनी चाहिए, जिसका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी जिक्र किया था,
तो जैसे कि इंडिया के लोग मोस्टली जो है कोविशील्ड लगवा रहे हैं, तो कोविशील्ड जो है WHO की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो उस डोज के लगने के 14 दिन बाद, मीनिंग सेकेंड डोज लगने के 14 दिन बाद तक आप अपनी कंट्री में होने चाहिए। जो 9 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, 1 to 9, तो उन 9 रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना है अगर आप वहाँ पर जाके एंट्री लेना चाहते हैं। तो ये उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मालदीव में गवर्नमेंट टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल देती है 30 डेज़ के लिए। तो 30 डेज़ के ऊपर अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए जानकारी दी है, देखिए वो मैंने कहाँ से ली है मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। तो आप गूगल में टाइप करेंगे immigration.gov.mv और आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पर वीज़ा के ऊपर टिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, जो भी आप वीज़ा देखना चाहते हैं, टर्म एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि टूरिस्ट वीज़ा। तो जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो सभी की सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1 to 8 हैं, पर मैंने आपको जो बताई थी वो 1 to 9 थी, क्योंकि मैंने इसमें एक ऐड कर दी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स है वो उसके बारे में नहीं बताया गया था। तो आप यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं। पर टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ देखिए वर्क वीज़ा और अदर वीज़ाज भी होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर इसकी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो देख लीजिए। थोड़ी बहुत तो सेम है टूरिस्ट वीज़ा की तरह ही, पर वहाँ पर आप लोगों को जो वर्क वीज़ा या अदर वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो उनके लिए 7 दिन का क्वारंटाइन और 14 दिन का क्वारंटाइन भी है। तो आप वो कंडीशंस पढ़ लीजिए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद हेल्दी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल लाइफ फॉर एवर। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्क वीज़ा के लिए, जैसे कि ये वीज़ा और वर्क वीज़ा के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्क वीज़ा के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो मेरे दोस्त वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं मालदीव्स, तो वो सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन वो अच्छे से पढ़ लें, तो यहाँ से उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये आ गई हैं रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क वीज़ा। अप्लाइंग फॉर वर्क वीज़ा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पर कुछ नोट, और उसके बाद इसका हो गया है एंड। तो इसी तरह से आप जो दूसरे वीज़ा हैं उनके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी बहुत से लोग जाते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी चेक कर सकते हैं। तो ये सोर्स था मेरी इन्फॉर्मेशन का जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की थी।